कलर पेंसिल की ड्राइंग सबको अट्रैक्ट करती है और सभी लोग करना भी चाहते हैं। यहाँ पे इशू कब आता है, जब कुछ इनिशियल जब आप कलर पेंसिल स्टार्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे कई सारे कलर भी यूज़ करते हैं हम लोग। सिंगल कलर तो यूज़ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे देखो रेड यूज़ किया, ऑरेंज यूज़ किया और इसके अलावा येलो भी यूज़ किया, मल्टीपल कलर यूज़ करते हैं। तो ग्रेफाइट पेंसिल में हम लोग मेकअप ब्रश का यूज़ करते हैं, पेपर स्टैम्प का यूज़ करते हैं ब्लेंड करने के लिए, लेकिन कलर पेंसिल में ये सब वर्क नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड बताया जिससे कि आप कलर पेंसिल को बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो और अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हो। यहाँ पे मैंने एक रेशियो बनाया, जैसे इंटेंसिटी है ये 100%, 75%, 50%, 25% और 0%। आपको प्रेशर देना है, प्रेशर मतलब कलर पेंसिल का जो इंटेंसिटी ना वो कम करना है ग्रेजुअली। जैसे फर्स्ट लेयर जो होगा ना, जैसे रेड का अगर मैंने बनाया ना, तो उसको इस रेशियो में बनाऊंगा, लेकिन जब मैं ऑरेंज बनाऊंगा ना, जहाँ पे 75% रेड की इंटेंसिटी हो जाएगी, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑरेंज को, मीन्स 100% उसका प्रेशर फुल होगा और जैसे जैसे नीचे जाएंगे उसकी ग्रेजुअली उसको इंटेंसिटी कम करते जाएंगे। तो ये हो गया सेकेंड लेयर। थर्ड लेयर में जब हम जाएंगे ना, तो जहाँ पे ऑरेंज की इंटेंसिटी 75% तक आ जाएगी, वहाँ पे 100% हम करेंगे येलो का। और ये जो मेथड मैंने आपको बताया, ये मेथड हर एक कलर के लिए अप्लाई होता है, कितने भी कलर करो। यहाँ पे मैंने फास्ट किया, जो कलर की ब्लेंडिंग मैंने किया है यहाँ पे थोड़ा फास्ट किया आपको बताने के लिए। और आप जितना पेशेंटफुली करेंगे, जितना आप टाइम लेके करेंगे, तो वो बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा। और जब हम स्किन का ब्लेंडिंग करते हैं, जब आप स्किन टोन, जैसे मैंने आपको बताया, इसके अलावा हेयर है, वहाँ पे आपको कलर पेंसिल में कई सारे कलर्स हैं जो इन्वायरमेंट में होते हैं, फेस पे आते हैं, या फिर आप सीनरी करते हो, तो वहाँ पे ब्लेंडिंग करने की ज़रूरत होती है। अगर आप डायरेक्ट सॉलिड कलर्स नहीं ले सकते, अचानक से कोई दूसरा कलर नहीं आ सकता, तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो कि मैंने रेड कलर लिया, रेड कलर को ग्रेजुअली मैंने नीचे की तरफ लाया और उसको 100% से लेकर 0% तक ले गया। इसके बाद ऑरेंज को मैंने क्या किया, जहाँ पे रेड का जो 75% इंटेंसिटी था, वहाँ से ग्रेजुअली मैंने नीचे लेके आया और 0% तक उसको लेके आऊँगा मैं। क्योंकि अब इसका प्रैक्टिस तो आपको करना पड़ेगा, जिसमें आप हैंड का बैलेंस कहते हैं ना, कि आपका प्रेशर जो होता है ना, जितना दबाव होता है ना पेपर पे, वो ग्रेजुअली आपको नीचे की तरफ लेके आना है। और इसमें जो आप वाइट गैप देख रहे हो ना, वो गैप को हम फिल कर सकते हैं, वही एक्चुअली ब्लेंडिंग है। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया येल्लो को, और येल्लो भी मैंने स्टार्ट किया 75% मतलब उसका प्लेसिंग, जहाँ से ऑरेंज स्टार्ट हुआ है, और उसको ग्रेजुअली हम लोग नीचे लेके आएंगे और धीरे धीरे उसको हम फिल करेंगे। और जब हम फिल करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा, ये जो आप देख रहे हो ना कि कलर ग्रेडिंग जब नीचे आ रहा है ना, तो वो बहुत स्मूथ आएगा। और ये जो है आप हर जगह यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आप टेक्सचर, जब स्किन का टेक्सचर करते हैं, तो वहाँ पे कहीं पे बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं, वहाँ पे ये टेक्निक ज़्यादा अच्छी है और यही सही है। यहाँ पे तो एक तो हम लोगों ने देख लिया कि वार्म कलर्स में, अगर आप कूल कलर्स में जाना चाहते हो, जैसे ब्लू कलर्स हैं, तो उसमें भी इंटेंसिटी होती है। आप चाहे तो सिंगल कलर को भी कर सकते हैं, जिसको आप वाइट से ब्लेंड करते हैं, क्योंकि वाइट जो ऐसा है ना कि वो हर एक कलर के साथ वो ब्लेंड हो जाता है। तो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि हम वाइट के थ्रू हम लोग जा सकते हैं। और यही एक ऐसा टूल है ना, कलर पेंसिल को आप कलर पेंसिल से ही ब्लेंड कर सकते हो। बाकी के जैसे जितने भी ग्रेफाइट पेंसिल, चारकोल पेंसिल को हम लोग ब्लेंड करते हैं, वो सारे टूल यहाँ पे वर्क नहीं करते। तो सेम टेक्निक मैंने यहाँ पे यूज़ किया। आप ऊपर से आप देख रहे हो कि डार्क है, डार्क इसलिए है कि हम लोगों ने कलर अलग अलग लिए हैं। जैसे कि अगर आप डार्क ब्लू लेते हो, उसके बाद मीडियम ब्लू लेते हो, उसके बाद वाइट या फिर स्काई कलर लेते हो, तो जब स्काई कलर लेते हो, तो वो ग्रेजुअली आपको एक ब्लेंड भी होता है, कलर्स का जो ग्रेडिंग होता है वो भी, कलर्स की ग्रेडिंग भी होती है और इंटेंसिटी भी होता है। इंटेंसिटी मीन्स कि आप जितने भी जो प्रेशर है, प्रेशर को जब हम रिलीज़ करेंगे ना टुवर्ड्स वाइट, वाइट की तरफ जाएगा। तो ये यहाँ पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको। और यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो, हल्का मैंने ग्रे पेंसिल लिया, तो आप यहाँ पे अच्छे से और ब्लेंड करने के लिए वाइट पेंसिल भी ले सकते हो। तो यहाँ पे जो मैंने मेथड बताया आपको, कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और ये जो मैंने आपको बताया है, ग्रेजुअली नीचे की तरफ लेके आ रहा हूँ मैं, आप सर्कुलर फॉर्म में भी ला सकते हो। सर्कुलर फॉर्म मतलब कि जब आप कोई फ्लावर की जो शेडिंग कर रहे हो ना, उस समय भी ये ज़्यादा वर्क करेगा। जब आप हेयर का जो फ्लो लेके आ रहे हो, वो भी वहाँ पे करेगा। एक मतलब ये था यहाँ बताने के लिए कि आपको एक टेक्निक पता चले, और ये टेक्निक ज़्यादा मैटर करती है, ना कि कॉपी वर्क। आप कई सारे ट्यूटोरियल यूट्यूब पे देखते होंगे, आपको समझ में नहीं आता हो कि ये लोग कर तो रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है।
यहाँ पे एक्चुअल रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। ब्लेंडिंग जो है ना कलर का, कलर से ही ब्लेंडिंग हो सकता है। उसमें भी आप जैसे कि व्हाइट कलर, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ ना, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। और एक और भी है ग्लास मार्किंग पेंसिल, जिससे आप उसको ब्लेंड बहुत अच्छे से कर सकते हो। अगर आपको एकदम स्मूथ ब्लेंडिंग चाहिए ना, तो आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी है। और हर एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक कलर में आप ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस ज़्यादा आपको प्रैक्टिस मेन वर्क, जो आप मेन वर्क है, जो मास्टर वर्क, जो आप हम लोग फाइनल वर्क करने जाते हैं, उसमें नहीं करना है। ये छोटे छोटे जो प्रैक्टिस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको आपको प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे गलत होता है उसको भी आपको ठीक करना है, अपनी टेक्निक को ठीक करना है। और यही चीज़ें अप्लाई करनी है मेन, जब आप मेन आर्ट वर्क करते हो ना वहाँ पे। तो इस तरह की प्रैक्टिस कीजिए, हर एक एंगल में, स्लांट लाइन से भी कीजिए और इसके अलावा सर्कुलर फॉर्म में भी कीजिए। और ये जो टेक्निक है ना, आप इसमें टोनल, जो अभी मैंने आपको बताया टोनल शेडिंग हो गया, हैचिंग में भी कर सकते हैं, और स्क्रिबलिंग टेक्निक उसमें भी आप कर सकते हैं। ये सब शेडिंग टेक्निक जो है ये आप कीजिए। और होपफुली ये ट्यूटोरियल आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।